हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनम और आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल माँ का घर में। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारी न्यू वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। आज मैं बनाने वाली हूँ खुरचन की मिठाई, जिसे हमारे बिहार में घी का डाढ़ी भी बोलते हैं। तो आज मैं इसी की मिठाई बनाने वाली हूँ। चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यह मैंने लिया है एक बॉल मलाई। अब इस मलाई को मैं पैन में पलटूंगी। यह मैंने 3 दिन का फ्रेश मलाई लिया है। इसे मैंने विदाउट फ्रीज ही स्टोर किया था। आप चाहे तो फ्रीज में भी स्टोर कर सकते हैं, बट क्या होता है ना कि फ्रीज में स्टोर करने से इसमें थोड़ा सा कारापन आ जाता है, तो उससे हमारा जो ये मैं इसका लड्डू बनाऊंगी या बर्फी तो ज्यादा टेस्टी या स्पंची नहीं बन पाता है। इसलिए इसे विदाउट फ्रीज ही स्टोर करें। और ज्यादा दिन स्टोर करने पर क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा खट्टापन भी आ जाएगा, तो उससे भी हमारी इतनी टेस्टी नहीं बन पाएगी हमारी लड्डू। मैंने इसे ना तो रई से मिलाया है और ना ही ग्राइंडर जार में डाल करके मैंने इसे ग्राइंड किया है। मैंने इसे डायरेक्ट बॉल से पैन में डाला है ताकि इससे क्या होगा कि हमारा घी कम बनेगा और हमारा खुरचन ज्यादा बनेगा। इससे हम जो भी कुछ बनाएंगे, जैसे कि पेड़ा बनाऊंगी और लड्डू बनाऊंगी, तो हमारा क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये हमारा बन के तैयार है। अब मैं गैस को ऑफ कर लूंगी और इसमें से अपना घी एक्स्ट्रा निकाल के अलग कर लूंगी और ये जो खुरचन है इसे अलग कर लूंगी। छन्नी पे छान करके मैंने ये सारा घी निकाल लिया है खुरचन से, और बचा हुआ जो खुरचन था हमारा उसको मैंने इस पैन में रख लिया है। और इसमें मैं डालूंगी एक बॉल नारियल का पाउडर, एक बॉल लिया है मैंने यहाँ पे अमूल का दूध का पाउडर जो होता है वो, और चीनी लिया है मैंने एक बॉल। चीनी आप स्वाद के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़े से मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स और 1 चम्मच इलायची पाउडर और 250 ग्राम दूध भी लिया है मैंने। यहाँ सेम पेन में मैंने यहाँ पे खुरचन ले लिया है। इसे मैं थोड़ा सा पहले गरम कर लेती हूँ और इसमें अपना आप मैं दूध डालूंगी। इसे कंटिन्यू मैं चलाते ही रहना है। इसमें ऐड करूंगी अपना ये मिल्क पाउडर और इसे भी हमें अच्छे से ऐसे मिक्स करते ही रहना है। और इसे पूरा ड्राई होने तक हमें ऐसे ही चलाते रहना है। जब ड्राई हो जाए फिर इसमें हम ऐड करेंगे और सामान। ये हमारा बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अपना नारियल पाउडर, एक बॉल चीनी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसे मैंने 7 से 8 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब इसमें ऐड करूंगी मैं अपना इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं अपना गैस अब बंद कर रही हूँ। एक प्लेट में मैं 1 चम्मच घी डालूंगी और पूरे प्लेट में मैं इस घी को अच्छे से ग्रीस कर लूंगी। और मैं इस प्लेट में अपना ये मसाला ऐड करूंगी। थोड़ा सा मसाला मुझे लड्डू बनाना है तो उसके लिए हम थोड़ा सा बचा लेंगे, और जितने का बर्फी बनाना है उसे मैं इस प्लेट में डाल दूंगी। इसे मैं अच्छे से पूरे प्लेट में लगा लूंगी और इसके ऊपर में ये ड्राई फ्रूट्स डाल के सही से दबा दबा के इसमें डाल दूंगी ताकि इसमें सेट हो जाए। और इसे रूम के टेम्परेचर पे हमें आधा घंटा तक सेट होने के लिए रख देना है। ये जो बाकी का खुरचन मैंने रखा था लड्डू बनाने के लिए उसे भी एक प्लेट में निकाल लूंगी। इसमें मैं अपना ड्राई फ्रूट्स डालूंगी और इसे अपने हाथों से अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और इसे हमें गर्म गर्म ही लड्डू बनाना है, तो आप इसका साइज अपने पसंद से ही डालें, छोटा बड़ा या मीडियम जो भी रखना हो आपको। इसी तरह से हमें सारा लड्डू बना के रख लेना है। सेम प्रोसेस से मैंने सारा लड्डू बना के तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर में मैं थोड़ा सा नारियल पाउडर से गार्निश कर दूंगी। देखिए हमारा ये खुरचन का लड्डू बन के कितना अच्छा तैयार हो गया है। और ये खाने में भी जितना ये आसान है बनाने में, उससे कहीं ज्यादा टेस्टी है ये खाने में। हमारा ये सेट हो चुका है। अब इसकी मैं कटिंग करूंगी। साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसका हम प्लेटिंग करेंगे।
देखिए खुरचे की मिठाई बनके हमारी बिल्कुल रेडी है। बड़ी कितना सुंदर लग रहा है दिखने में ही। तो आशा करते हैं आप सबको पसंद आए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।